खबर दे आपको, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का केस है। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब, जस्टिस जमाल खंडोखेल का फैसला जारी। फैसले के मुताबिक अक्सरीती फैसले में आईनी खिलाफवर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज है। उम्मीद है कि अक्सरीती जजेस गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने 14 सफा पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी तहरीर किया है। तफसीलात जान लेते हैं अमानत किशकोरी से, बताएगा अमानत। जी, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का 12 जुलाई को मुख्तसर फैसला जारी किया था और 8 जजेज ने अक्सरियती फैसला जारी किया था, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने फैसले से इख्तलाफ किया था। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अक्लियती तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया गया है और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ने 14 सफात पर मुश्तमिल अक्लियती फैसले में अपना इजाफी नोट भी तहरीर किया है और उस नोट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये लिखा है कि उम्मीद करता हूँ कि जो 12 जुलाई का मुख्तसर फैसला दिया गया और उसके बाद जो फैसले जारी किए गए जो कि गलतियों से भरपूर हैं, जिसमें आईनी गलतियां की गई हैं, उम्मीद है कि उस फैसले की दुरुस्ती की जाएगी और जो बरादर जजेज हैं, 8 जजेज जिन्होंने फैसला तहरीर किया है, वो आईनी गलतियों का एतराफ करते हुए उसको दुरुस्त करेंगे और जो मुल्क का निज़ाम है उसको आईने पाकिस्तान के तहत चलाया जाएगा। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल ने अपने इस इख्तलाफी नोट में ये भी लिखा है कि जो 8 जजेज ने फैसला दिया है वो आईन के खिलाफ है और एक अलग अदालत कायम की गई। 8 जजेस की जानिब से एक वर्चुअल अदालत जो है वो कायम की गई और 8 जजेस ने अपनी अदालत कायम कर ठीक है। बहुत शुक्रिया अमानत गिशकोरी।